बहराइच जिले के भावरी गांव के दलित बस्ती के मौजी लाल सहित 200 लोगों को हैंडपंप नल खराब होने के कारण पीने का पानी काफी दूर से लाना पड़ता है, जिससे इनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं घनश्याम और ये है मेरा समुदाय। समस्या है हमारे हनुमान मंदिर पर जब नल लगा हुआ है, नल 2 महीने से खराब है और बन नहीं रहा है। उसकी पेमेंट जो है प्रधान जी ने किसी मतलब ठेकेदार को दे दिया है, ठेका भी है उसका, उसका पैसा भी चेक दे दिया है, चेक भी कट गया है। ठेकेदार जो है नल नहीं बना रहा है, प्रधान निर्दोषी हैं, बल्कि उससे लड़ाई भी कर रहे हैं। वो नहीं अभी आ रहे हैं, तभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। उसका हेल्पर जो है वो नल बनाने आता है, उसको पेमेंट नहीं मिलता है। वो कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा। जब उनसे दोबारा जाके कहो, फिर वही कहते हैं कि आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं। तो नल की बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरी है। जो ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग पानी पीते थे इस नल में? 200 आदमी का तो मतलब पानी। समस्या नल की है, नल जो है करीब करीब 4 महीने से बिगड़ा हुआ है और कोई अधिकारी कर्मचारी कोई इसका जो है कोई निदान नहीं निकालते हैं कि बनवा दिया जाए तो लोग जो है सुचारू रूप से पानी पी सकें। तो इस नल के लिए जो है आप प्रधान जी से कहा कुछ? कई बार लोगों ने कहा है, हमने भी कहा है, बस जब कहा तो हाँ 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 बन जाए, उनसे कह दिया ठेकेदार से, उनका पैसा निकाल दिया। ये होता है झांसा पट्टी जिसको कहते हैं। मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि दलित बस्ती में पीने का पानी की समस्या दूर हो सके। इसके लिए आप ब्लॉक पखरपुर के बीडीओ जी जिनका फोन नंबर 94-54-46-48-16 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।